हत्या हो चुकी है, सरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखती है? सबसे बड़ी दुखद घटना है सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जो हमारे तावड़ू में थे और जिस तरह से डंपर से उनको मौत के घाट उतारा है। मैं इसके लिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से भी इस दुखद घटना पर मैं शोक प्रकट करता हूं और इस तरह के जो भी माफिया हैं हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है, सैकड़ों FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई है और इनके खिलाफ करोड़ों रुपये के ऐसे जो चोर हैं डंपर JCB करते हैं इनका NGT के तहत मुकदमे भी हमने दर्ज करे हैं और हमने टीम लगा के पुलिस की टीम लगा के रात को दिन में भी हमने कार्रवाई करी है। इन लोग माफिया नहीं, चोर उचक्के लोग हैं और चोर उचक्के लोग डंपर भर के चला वहाँ से भर के बेच जाते हैं। ये लोग इस तरह के हैं तो इस तरह के, जबकि पूरे मेवात में माइनिंग बंद है, मेवात गुड़गावा फैदा में माइनिंग कहीं नहीं, माइनिंग पत्थर की कोई माइनिंग है सुप्रीम कोर्ट के तहत और ये लोग वहाँ चोरी करते हैं। माइनिंग का तो इलाका रेवाड़ी महेंद्रगढ़ भियाणी दादरी माइनिंग वहाँ होती है, ये तो माइनिंग का इलाका नहीं है। और यहाँ तो क्या है कि SP भी हमारे DSP हमारे DC फॉरेस्ट के लोग, ये फॉरेस्ट का इलाका है जहाँ माइनिंग कर रहे फॉरेस्ट का इलाका है और फॉरेस्ट के अधिकारी भी समय समय पर कार्रवाई करते हैं और हम इस तरह की माइनिंग को रोकते हैं कि कोई जब फॉरेस्ट का इलाका हो या दूसरा क्षेत्र हो कोई अवैध माइनिंग ना करे, अवैध माइनिंग को बढ़ाना क्रिमिनल प्रवृत्ति करना हो, इस तरह की माइनिंग को पूरे प्रदेश में चाहिए, या रिवर बेड की बात करें या पहाड़ की बात करें हम इनको रोकते हैं। सर, सरकार के पास क्या सूचना मिली है, घटना किस वक्त हुई है और क्या कुछ वहाँ पर माहौल बना था, DSP को किसने सूचित किया था कि अवैध माइनिंग वहाँ पर हो रही है? ये तावड़ू इलाके का ये वारदात है, तावड़ू इलाके का है और DSP को जानकारी जो मिली है, किसी ने जानकारी दी है कि वहाँ पर पत्थर तोड़ रहे हैं, वहीं एक JCB से पत्थर तोड़ रहे हैं और वहाँ अपनी टीम के साथ DSP गए हैं और DSP ने जब वहाँ के ट्रक डंपर को रोका है तो भागा है, भागने के बाद करा है। तो जो भी पूरी जानकारी आने दीजिए क्या इस जानकारी के पीछे, और समय समय पर ये पचगामा गांव का डंपर है, पचगामा है ताबड़ू के पास। सर, ये कुछ पता चल पाया कितने लोग थे जो आरोपी हैं जो डंपर के अंदर थे जिन्होंने डंपर चढ़ाया? नहीं, ये क्या है कि रात बरात चोरी छिपके खेतों से घुस के जंगल से घुस के एक ट्रक तोड़ लिया, एक यहाँ से तोड़ लिया, इस तरह की चोरी छिपके जो लोग हैं काम करते हैं। सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है सर ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो? नहीं, सरकार ने, मैंने कहा ना आपके माध्यम से कि हमने सैकड़ों FIR इनके खिलाफ करी है और इनके खिलाफ हमने इनको कोर्ट तक पहुंचाने का काम करा है, चाहे कोई क्षेत्र न पहुँचाने का, चोरी इस तरह के केसों को हमने कोर्ट तक पहुँचाने का करा, इनके गाड़ी और डंपरों को बंद करने का काम करा, इनके डंपरों को सीज हमने किया है, इनके JCBs को सीज हमने किया है। तो मेरा एक ही बार बार सरकार अपना काम करके, सरकार इस तरह की कोई भी, सर जिस तरीके से एक परिवार ने अपना खोया है, DSP की जिस तरीके से हत्या हुई है, सरकार किसी तरीके की आर्थिक सहायता देगी, इस पर कोई विचार विमर्श? नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे और हमारे क्या है कि सहानुभूति है और हमारे क्या है कि जो भी अपने मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पर कोई करेंगे कि इस तरह की जो घटना हुई दुखद घटना हुई। सर, अंतिम सवाल है, विपक्ष कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उनका कहना है कि जब से सत्ता में BJP की सरकार है अवैध जो माइनिंग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, सर कैमरे की तरफ? नहीं, मेरा ये कहना है कि विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, विपक्ष अपने अतीत में जाके देखिए, जब हमने कार्य काम किया, जब पुलिस की सूचना हमने चोरी करे प्रशासन गया, अपनी जान गंवानी पड़ी, राजनीति नहीं करे इस क्षेत्र में, अगर राजनीति करें तो DSP जान नहीं कमाता, इतनी FIR नहीं होती, करोड़ों रुपयों के हमने टैक्स जो चालान किए, करोड़ों रुपयों के हमने चालान किए, जो विपक्ष के नेता अपनी सरकार में देखे ना 5 साल की रेवेन्यू 450, हमारे समय 950 करोड़ रुपए जो एक साल में हमने किया, चोर ने अपना काम करा हम अपना काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में पाताल से भी इस तरह कोई माफिया पाताल से भी खींच देंगे, इस तरह का मैं एक भी इस तरह का जो कार्य किया पुलिस, जैसे DSP की जो साथ जो घटना घटी है मौत के घाट पर,
इनके उसकी कुर्बानी को हम खाली नहीं जान देंगे। मुख्यमंत्री स्वयं का इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई सख्ती के साथ हो, सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे।